भाई मुनव्वर फारूकी का शो रहा बहुत ही सक्सेसफुल, लेकिन इस शो में कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मिस मत करना। वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर और एक्स पर मुझे फॉलो करो। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा अपना एक पर्सनल इंस्टाग्राम है जहाँ पे मैं कोलैब करती हूँ डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। और आप अगर आपको मेरा कोई फैशन या मेरी ड्रेसिंग अच्छी लगती हो, कुछ भी अच्छा लगता हो, मेकअप वगैरह कुछ भी, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। या अगर आप यूएई के डिफरेंट जगह देखना चाहते हैं और आप दुबई को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप दुबई का फूड वगैरह जब देखना चाहते हो अगर, तो प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम। मैं उसको मैंशन यहाँ कर रही हूँ, लिंक भी दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लो। लेट्स टॉक अबाउट मुनव्वर फारूकी शो। मुनव्वर फारूकी के शो में भाई बहुत ही बड़े बड़े धमाके हुए, मतलब वो वाले धमाके नहीं, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही अच्छे वाले धमाके हुए मुनव्वर फारूकी के शो में। एक तो मुनव्वर फारूकी ने अनाउंस कर दिया कि भाई मुनव्वर फारूकी जा रहे हैं वर्ल्ड टूर पे। यस, मुनव्वर फारूकी वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं भाई, वर्ल्ड टूर होगा अब। मुनव्वर फारूकी का शो जो है वो दुनिया के हर कोने कोने में होगा। ज्योतिषी जी ने जो बोला था ना वो सच हो गया भाई। इंटरनेशनल फेम जो है बंदे के पास पहले भी था, लेकिन अब इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ भी मुनव्वर फारूकी कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो मुनव्वर फारूकी ने बता दिया है अपने ही शो में कि भाई वर्ल्ड टूर मैं करने जा रहा हूँ। और आप मेरे शो के बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे भी अपने और लोगों को भी बताइएगा, बिकॉज ऑफकोर्स जो इंडिया में है तो हाँ बाहर भी पूरी दुनिया में जो है वो बैठे हुए हैं, तो उस वजह से आप सबके साथ शेयर करें। अभी तो मुनव्वर फारूकी का 22 जून को जो है वो शो होने जा रहा है दुबई में, तो वो भी आपको पता है, उसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। अब एक और चीज़ ये कि मुनव्वर फारूकी ने उस शो में जो है अपने छोटे बेटे को भी बुलाया स्टेज पे, और जब मुनव्वर फारूकी ने स्टेज पे अपने छोटे बेटे को बुलाया तो ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला, जो प्यार मिला, इट वॉज वेरी यू नो लाइक कि ऐसा लग रहा था कि यार यस ये जो है ना ये लड़का हम में से एक है। मुनव्वर फारूकी जो है ना वो ऐसा लड़का है कि उससे लोग, ऑडियंस उसकी कनेक्ट करते, उसके फैंस कनेक्ट करते। उनके बेटे मिकाइल को देख के सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और बैक स्टेज की कुछ पिक्चर्स आई है जिसमें मुनव्वर फारूकी जो है बहुत सारे जो बहुत एक एजेड सी लेडी है जिनको मुनव्वर फारूकी हग कर रहे हैं, बड़ा खुश है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुनव्वर फारूकी ने जो है ना ऑडियंस के दिल जीते हैं, दिलों में जो है ना अपने लिए जगह बनाई है, वो जगह जो एक फैमिली मेम्बर बना लेता है ना, जैसे आपको एक फैमिली मेम्बर से प्यार हो जाता है वैसे लोगों को मुनव्वर फारूकी से प्यार हो गया। तो मुनव्वर फारूकी का जो शो था वो बहुत सारे सरप्राइजेस से जो है वो भरा हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज से, जिसमें शो सक्सेसफुल तो हुआ, वहाँ पे धंधो सॉन्ग भी प्ले किया गया और मिकाई की एंट्री भी कराई गई, मिकाई को इंट्रोड्यूस कराया गया अपने ऑडियंस से, और ये अनाउंस किया गया कि भाई वर्ल्ड टूर होने जा रहा है, तो पूरी दुनिया में जो मुनव्वर फारूकी का शो देखा जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय।